सच साहस सरोकार। आइए आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई है, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। हिमांशु, शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आज विजयदशमी का दिन भी चल रहा है, क्योंकि नौमी के बाद दसवीं लग जाती है और दसवीं को विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज का जो शेड्यूल है काफी बिजी रहता है, और आज विशेष दंड अधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। और चूंकि ये परंपरा चली आई है नाथ संप्रदाय की, जो भी महंत होता है वो दंड अधिकारी के रूप में पूजा करता है, और माँ शक्ति की पूजा के बाद जो है यहाँ पे राम की पूजा करता है, श्री राम की पूजा करने के बाद आरती करते हैं। इसके पहले ही मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में विशेष दंड अधिकारी के रूप में माँ शक्ति की पूजा आराधना करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां से विशेष रथ पे सवार होकर के सीधे मानसरोवर मंदिर पहुंचते हैं, और इसमें बता दें बीच में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। ग्रामीण विधायक की बात करें तो ग्रामीण विधायक विपिन सिंह भी यहाँ मौजूद थे, आला अधिकारी जितने भी थे, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त पूरी तरह से मौजूद था यहाँ पे। और इस तरह से बता दें कि एडीजी, डीआईडी, आईजी सभी यहाँ पे मौजूद थे, पुलिस कप्तान मौजूद थे, और सीएम योगी आदित्यनाथ पे काफी कड़ी सुरक्षा के बीच में गए, और यहाँ पे पब्लिक ने उनको जो है अभिवादन भी किया। और यहाँ बता दें ठीक पीछे हमारे एक मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, जो कि उनका हर साल माला अर्पण करके शक्ति पूजन के समय जो है उनको उनका स्वागत करते हैं, और वो यहाँ मौजूद थे। और वहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ी रुकती है और वहाँ पे पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया जाता है, और फिर वहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ मानसरोवर मंदिर जाते हैं, जहाँ भगवान शिव का पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद रामलीला मैदान पे भगवान राम की आरती करते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं। मयूरी, गोरखपुर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी यहाँ पे लोग में खासा उत्साह है, और भीड़ की बात करें तो यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरह से पीछे हमारे यहाँ पे, चूंकि रोड से सीएम योगी आदित्यनाथ गए हैं, और तो कुल मिला के सारे अधिकारी यहाँ से अभी वापस जा रहे हैं, और पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग पूरी तरह से मौजूद है यहाँ पे, और पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस विभाग वाले, अब पुलिस के जितने भी कर्मचारी सुबह से लगे हुए थे सीएम सिक्योरिटी में, वो अब वापस जा रहे हैं, चूंकि ड्यूटी खत्म हुई है, सुबह से ही ड्यूटी ये कर रहे थे, तो इसके बाद से लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे अब लोग घूमने के लिए घर से निकले, चूंकि नौमी का दिन है और दसवीं लग गई है, और ऐसे में लोग विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा के पंडालों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन पूजन का कार्यक्रम होता है। और गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ पूरी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, और यहाँ पे जब निकलते हैं तो हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी वर्ग के लोग रहते हैं और फूलों से उनकी स्वागत करते हैं। हिमांशु, सीएम योगी का आगे का क्या कुछ शेड्यूल है, क्या इसकी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, वो पूजा अर्चना करते हैं श्री राम की, और वहां से मंदिर में अपने मठ में वापस चले गए हैं, और इसके बाद अब वहां रात्रि विश्राम के बाद कल उनका जो है लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।